हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। मैं हूँ आपका अपना हनी शर्मा। तो गाइस, ये हमारा आज का न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग मैंने अपनी कार से स्टार्ट करा, दिस इज माई दूसरी वाली कार, तो मैंने इससे व्लॉग स्टार्ट करा गाइस। तो अभी मैं हूँ कहीं बाहर और मैं वहाँ पर बताया जूस पीने, तो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, मेरे हाथ में बेलपत्ता का जूस है। काफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाया भैया ने जूस, दिखाता हूँ आपको। ये सामने भैया हैं, मैंने इनकी शॉर्ट वीडियो भी डाली थी अपने चैनल पे, और आपने काफ़ी प्यार दिया भैया की शॉर्ट वीडियो को, और इन्हीं ने जूस बनाया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जूस है, बेहतरीन। और गाइस, ये हैं भैया, आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया इनकी वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को, और काफ़ी अच्छा जूस बनाते हैं, और मैं ज़्यादातर इन्हीं का जूस, मतलब जब भी मेरा मन करता है ना पीने का, तो मैं भैया का जूस ट्राई करने आता हूँ। भैया, नाम क्या है आपका? राजेश कुमार। हाँ, राजेश कुमार, संगम मेरे कोने पे लगाते हैं ये, संगम भैया रोड है ये। तो अगर आपको भी पीना है तो आप भी संगम भैया कोने पे आ सकते हैं, मरीजी हॉस्पिटल के पास, भैया को सपोर्ट दिखाएं अपना, बिल्कुल फ्रेश जूस बनाते हैं भैया, बिल्कुल फ्रेश। तो गाइस, बेलपत्र का जूस पी लिया, मैं कार लेकर निकल गया हूँ। अब एक्चुअली मैं ना कार में सीएनजी डलवाने आया हूँ, और सीएनजी डलवाने के लिए मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। मैं ओखला की तरफ गया था, वहाँ भी ट्रैफिक है, और नेहरू प्लेस की तरफ गया, वहाँ भी ट्रैफिक है, और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं दोबारा नेहरू प्लेस की तरफ जा रहा हूँ उल्टा, वहीं पर सीएनजी डलवाते हैं, क्योंकि अब डलवानी तो है ही, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पर कार में तो एसी ऑन है। तो अभी चलते हैं ओखला, वहाँ पे नेहरू प्लेस, और वहाँ से सीएनजी लेते हैं, दिखाता हूँ आपको सीएनजी के क्या प्राइस चल रहे हैं, क्या है, दिखाते हैं अभी। बस जो हो रहा है ना, बढ़िया ही हो रहा है देश के अंदर। आप सीएनजी के प्राइस चेक कर सकते हैं गाइस, कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ब्लिंक कर रहे हैं, अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे धूप की वजह से। 69 रुपीज़ सीएनजी है गाइस, 69 सीएनजी, 69। तो गाइस, आप देख सकते हैं सीएनजी के प्राइस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो गाइस, आप सीएनजी के प्राइस देख सकते हैं कितने ज़्यादा हाइप हो रहे हैं। पहले लोग बोलते थे कि सीएनजी चीप है, चीप है, चीप है, अब मुझे लगता है कि सीएनजी चीप रही है कहीं से भी, जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं ना सीएनजी के, दिल्ली में 69-70 आप मान सकते हो, और यूपी में भी, अलीगढ़ में भी 85-80 है, और हर जगह मतलब अच्छे सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल भी आप देख सकते हो 105 है, डीजल 96 है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, कितनी ज़्यादा प्राइस हाइप हो रहे हैं हर चीज़ के। तो मेरी यही है गवर्नमेंट से गुजारिश कि प्राइस थोड़ा कम करें, रिजनेबल करें, ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके, क्योंकि सीएनजी हर बंदा यूज़ करता है, क्योंकि गाइस सीएनजी ना हर कोई यूज़ करता है, जैसे कि आम पब्लिक, ऑटो वाले, और ये आपके जो ग्रामीण सेवा होती है वो ट्रांसपोर्ट में, मतलब बहुत सी फैमिलीज ही मतलब ट्रांसपोर्ट में मतलब रहती हैं, मतलब उनका जो खर्च है ट्रांसपोर्ट से ही चलता है, मतलब एक गरीब इंसान, मतलब हर लेवल का सीएनजी बंदा यूज़ करता है। तो कम से कम सीएनजी के प्राइस तो ना इतने इंक्रीज़ करें, पेट्रोल के समझ में आते हैं, पर सीएनजी के प्राइस पर इतने इंक्रीज़ करे जा रहे हैं, दिस इज सो रॉन्ग। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में कि सीएनजी के प्राइस थोड़े बहुत अप डाउन करने चाहिए, या फिर एक रिजनेबल प्राइस पर रोक, तो एकदम हाइप होते जा रहे हैं। तो चलो गाइस, बहुत ही बातें, ये तो बातें हैं ही, सबको ही पता है, बताना क्या। तो अब लेते हैं सीएनजी, उसके बाद चलते हैं आगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये ऑटो वाले अंकल, ऑटो कितने सारे ऑटो सीएनजी की लाइन में खड़े हैं, और सीएनजी के प्राइस इतने बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए गाइज, क्योंकि सीएनजी हर कोई यूज़ करता है आजकल ज़्यादातर, सोचना चाहिए गाइज। ये ऑटो वाले अंकल, इनकी सीएनजी इतने ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं, ऑटो ही नहीं, ऑटो ग्रामीण सेवा, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, जैसे आप सामने सकते हैं ट्रांसपोर्ट ये खड़े हैं, टेम्पू, और भी इधर भी आप देख सकते हैं, मतलब तो गाइस सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, मेरे जहाँ तक हिसाब से सोचना चाहिए। तो गाइस, मैं अभी सीएनजी पंप पे हूँ, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, और अभी मैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे हूँ, वहाँ पे सीएनजी भी अवेलेबल होती है, तो मैं अभी सीएनजी लेने के लिए आया हूँ, कार में हूँ, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। गाइस, आप देख सकते हैं सीएनजी का प्राइस 69.11 पैसे, और अभी कार में सीएनजी डल रही है मेरी, कार में सीएनजी फिल हो रही है।
प्रेशर नहीं है इनके पास, गैस बहुत ज्यादा कम आई है, 108 प्रेशर है। तो गाइस सीएनजी मैंने गाड़ी में ले लिया, पर इनके पास बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था सीएनजी पंप पे, 110-115 प्रेशर था, बिल्कुल सिलेंडर खाली था। सीधे कितनी ज्यादा आई है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट सीएनजी आई है गाइस, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट, तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था इनके पास। गाइस सीएनजी ले लिया और अब जा रहा हूँ मैं कार को पार्क करने। सही है सीएनजी पंप पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और जितनी आनी थी उतनी आ गई, जो भी है बढ़िया है। गर्मी काफ़ी है गाइस, और अभी फिर गर्मी तो होगी ना कि अप्रैल आ गया, मई जून में और बढ़ेगी। तो अभी चलते हैं पार्क करते हैं कार को, उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ, मैंने उसके बाद फिर शूट नहीं करा, मतलब वहाँ पे सीएनजी फिल करवाने के बाद, क्योंकि कुछ मैं काम से ही था और कुछ शूट करने का फिर मौका भी नहीं मिला, क्योंकि मैं फिर कुछ काम करवाए निकल गया था। उसके बाद फिर मैं घर पे आ चुका हूँ गाइस, फाइनली शाम हो चुकी है, 7 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गया था, घर पे आ गया था क्योंकि धूप भी थी और ऐसा नहीं हर टाइम कार में ही था, क्योंकि कार पार्क कर दिया स्कूटी पे भी था तो धूप काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। और अब मैं घर पे आ गया हूँ, शाम के 7 बज गए हैं। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो प्रॉपर सीएनजी के ऊपर, मतलब जो प्राइसेस हाइक हो रहे हैं ना पेट्रोल सीएनजी डीजल सबके, वो मैंने आपको दिखाया है इस व्लॉग के अंदर, वीडियो के अंदर। और बाकी सही है, अब क्या कर सकते हैं गाइस, सबके लिए बढ़ रहा है प्राइस, स्पेशल हमारे लिए तो बढ़ नहीं रहे, पर तब भी इनके प्राइस को कम होना चाहिए। और अभी शाम का टाइम है तो मैं सोचा कुछ ले लूँ, तो मैंने एक फ्रिस्का ले रहा हूँ, फ्रिस्का लीची जूस, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा माइंड, इससे रिफ्रेश होने लगे। और साथ में ये स्नैक लाइट है कुछ, ये फन मस्ती चल रहा है, फन फ्राइज मस्ती मन जो भी है ये, वो थोड़ा ले रहा हूँ। शाम के टाइम में कुछ चेंज नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत तो ये फ्रिज का भी सही है। और गाइस फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, कब कब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएँ, ताकि ये किसी की नज़रों में आए वीडियो और कुछ सोचे गवर्नमेंट इसके ऊपर। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, लव यू।